रूस यूक्रेन जंग में अब एक और नेटो देश के टैंक की अग्नि परीक्षा हो रही है। लेपर्ड टैंक के काफिले को रूस ने बहुत आसानी से खत्म कर दिया है। अब रूस का नया टारगेट ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक है। रूस ने कुछ दिन पहले ब्रिटिश टैंक को नष्ट किया तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि चैलेंजर को बेहद ताकतवर माना जाता था। अब एक और चैलेंजर के भस्म होने की तस्वीरें आ गई हैं। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक जितना सटीक निशाना उतनी ताकतवर आर्मर्ड शील्ड। इस टैंक को लेकर दावों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी भी योद्धा का असली इम्तिहान तो युद्ध के मैदान में ही होता है। चैलेंजर 2 टैंक भी अब युद्ध में है। टैंक की क्षमता को लेकर जितने भी दावे किए गए, अब उसकी असलियत परखने का वक्त है। यूक्रेन की सेना इस टैंक को पाकर बेहद उत्साहित थी। इसके निशाने की तुलना तो स्नाइपर गन से की जा रही थी, लेकिन वॉर जोन से आई इन दो तस्वीरों ने यूक्रेनी सैनिकों को मायूस कर दिया है। लेपर्ड टैंक की तरह ही अब रूस के टारगेट पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक है। लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेन अब तक 2 चैलेंजर टैंक गंवा चुका है। रूस ने इन टैंकों को भस्म करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर साबित हो गया है कि चैलेंजर 2 टैंक का बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच अभेद्य नहीं है। जेलेंस्की के लिए ये बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि जंग के मैदान में ब्रिटिश चैलेंजर को गेम चेंजर माना जा रहा था। जेलेंस्की को भरोसा था कि चैलेंजर 2 का हाल लेपर्ड की तरह नहीं होगा। और ज़ेपोरिज़िया में लेपर्ड टैंक खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिक जिस तरह से कमजोर पड़े हैं, उस कमी को दूर किया जा सकेगा। चैलेंजर 2 ब्रिटिश सेना का मुख्य बैटल टैंक माना जाता है। ये टैंक रूस यूक्रेन जंग से पहले कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। चैलेंजर टैंक को इराक, कोसोवो, बोस्निया और हर्सेगोविना में भी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल किया गया था। अब तक किसी भी जंग में इस टैंक को तबाह होते हुए नहीं देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत पर।